बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेनू है। मेरे पापा का नाम मिस्टर सुरेंद्र कुमार है। मैंने 10वीं की कक्षा की पढ़ाई वीएनडी स्कूल से पूरी की है। तो 10वीं का आपका परीक्षा परिणाम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने जो सोचा था उससे थोड़ा कम ही हुआ। क्या उम्मीदें क्या थी आपकी? 99% रहने थी, अभी कितना रिजल्ट रहा आपका? 97%। तो 97% जो आपने नंबर लिए हैं। बीएनडी स्कूल में किस प्रकार की तैयारी करवाई जाती थी आपको? बीएनडी स्कूल में बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती थी। हमारे चेयरमैन सर प्रेम से माध्यम से हमें मोटिवेट चलते थे। नहीं, कहीं ट्यूशन व्यूशन किया बाहर या स्कूल से ही? ओनली स्कूल से पढ़ाई की थी। आपका स्टडी का प्लान क्या रहता था आप जो है, क्योंकि जब भी हम किसी बड़ी परीक्षा को इस प्रकार के अचीवमेंट हासिल करते हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी होता है, तो आपने सेल्फ स्टडी के लिए कितना समय निकाला? मैं रात तो 9 से 12 बजे पढ़ती थी और सुबह उठ कर 4 से 6 बजे तक पढ़ती थी। तो स्कूल का माहौल किस प्रकार का है? यहाँ किस प्रकार के सपोर्ट आपको मिलती स्कूल की तरफ से? स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है। अभी आगे की क्या तैयारी है, क्या एम है, क्या बनना है? मैं आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो उसके लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा और हाँ, भी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हमारे चेयरमैन सर हमें मोटिवेशन चलते हैं और हमारे स्कूल के टीचर हैं वो हमें आदि के लिए गाइडलाइन चलते हैं, हम उन्हीं से इशारे पर चलते नाम बताएं अपना। हैं। सर मेरा नाम चंचल है, मेरे पापा का नाम श्री राम सिंह है, मैं महेंद्रगढ़ से हूँ। तो किस प्रकार से परफॉर्मेंस रही 10th क्लास के रिजल्ट की? 10th क्लास का रिजल्ट मेरी उम्मीदें तो बहुत अच्छी थी, परंतु उतना नहीं आया रिजल्ट। उम्मीदों से क्या कम क्या रहा? कारण क्या रहा? कुछ कोविड की वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हुई, उस वजह से कुछ जो है रिजल्ट में आपको जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया? सर इसी वजह से, क्योंकि पढ़ाई इतनी रीजन इतना खास हो नहीं पाया था कोविड की वजह से, पर फिर भी परफॉर्मेंस सही थी। स्कूल का कितना क्या रोल रहा, किस प्रकार की तैयारी स्कूल में कराई गई? क्या स्कूल की तरफ से कोई इस प्रकार की कमी रह गई कि आप जो अचीव नहीं कर पाए हों? नहीं, स्कूल की तरफ से कोई कमी नहीं रही। जो मैंने अब तक हासिल किया वो स्कूल की तरफ से ही था। हमारे चेयरमैन सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, और घर पे पढ़ाई करना भी एक ज़रूरी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे इतने नंबर आए। कितना समय दिया घर पे? घर पे मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी, पर जो पेपर्स के टाइम पे थे उस वक्त मैं 6 घंटे तक भी पढ़ी हूँ। क्या प्लानिंग है आगे की, अभी फ्यूचर में क्या करना है? आगे मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। पढ़ाई के साथ साथ दूसरे फील्ड में भी बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो इसके साथ क्या कुछ हॉबीज आप जो है रखती हैं? सर मैं आर्ट में बहुत अच्छी हूँ, मुझे ड्राइंग करना बहुत अच्छा लगता है। और अभी क्या कुछ है प्लान आगे? मेडिकल साइड से है, नॉन मेडिकल किस प्रकार का जो है आगे का आपका एम है? सर मैं मेडिकल में हूँ फिलहाल, और मैं आगे जाके यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। बीएनडी स्कूल का जो है बात करें अगर, तो स्कूल का माहौल कैसा है? यहाँ शैक्षणिक जो गतिविधियाँ किस प्रकार से कराई जाती है? मैनेजमेंट जो है वो किस तरह से आपको सपोर्ट करता है? सर स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत शांति से रहते हैं, सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, हमारे चेयरमैन सर रोज़ हमें प्रेयर में मोटिवेशन करते रहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, टीचर्स भी हमें बहुत सहायता करते हैं। कैसा लगा रिजल्ट आए तो भी इतने मार्क्स मिले, घर वालों ने क्या कुछ कहा? घर वाले तो बहुत खुश थे, सभी बहुत खुश थे, पर मैं इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रही थी। कितनी थी अपनी उम्मीदें? मेरी तो उम्मीदें 99 इतनी थी, पर सही है अब जितना आ गया ठीक अभी है। प्लस टू में क्या रिजल्ट हो सकता है, क्या कितना चाहते हैं? प्लस टू में मैं इससे ज़्यादा लाना चाहती हूँ ताकि मेरे स्कूल का नाम रोशन हो सके। ठीक है, क्या नाम है अपना, इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम अंशु है, मेरे पापा का नाम श्री विनोद कुमार है, मेरे गांव का नाम डाड होता है। 10वीं का परीक्षा परिणाम अभी आया है, तो क्या परिणाम रहा आपका? मैंने 10वीं में 481 नंबर प्राप्त किए हैं। बीएनडी स्कूल में कौन सी पोजीशन रही आपकी? बीएनडी स्कूल में मेरी 3rd पोजीशन है। तो जो रिजल्ट आया है उससे आप सेटिस्फाई हैं? वैसे तो मेरा रिजल्ट सही है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा हासिल करना चाहती थी, लेकिन अब जो है वो सही है। जब एग्जाम दे के आए तो क्या लग रहा, कितने आएंगे और उससे कोई कमी रही?
मैंने सोचा था मेरे 98+ आ सकते हैं, लेकिन उतने नहीं आए, लेकिन मैं अपने इस रिजल्ट से भी सेटिस्फाइड। किस फील्ड में लगता है कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा वीक रहेगा जिसकी वजह से आपको जो रिजल्ट है वो उम्मीद से थोड़ा कम रहा? मेरा सोशल साइंस सब्जेक्ट थोड़ा वीक रह गया और बाकी मेरे सब्जेक्ट सही थे। मेन इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है? मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मैथ में है। सबसे अहम योगदान होता है टीचर्स का, क्या कहेंगे टीचर्स के लिए जो आपने 481 अंक हासिल किए? हमारे टीचर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमारा बहुत सपोर्ट किया, हमें बहुत मोटिवेट किया। घर वाले किस प्रकार से घर पे मोटिवेट करते थे, कहते थे बेटा पढ़ ले या कुछ और भी काम करवाते थे? नहीं, मेरे घर वाले कोई काम नहीं करवाते थे, बहुत सपोर्ट करते थे, बहुत मोटिवेट किया उन्होंने मुझे। पापा और मम्मी हैं, उनका क्या कुछ है जो है, किस प्रकार का कार्य है, क्या करते हैं? मेरे पापा नहीं है और मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, और उसके साथ मेरी फैमिली में मेरे चाचू हैं, दादाजी हैं, माँ हैं, बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने। पढ़ाई का आपका शेड्यूल क्या कुछ रहा था, कितने घंटे की आप तैयारी करते थे? मैं 5 से 6 घंटे पढ़ती थी। आगे क्या टारगेट अभी प्लस टू में? मैं एनडीए क्लियर करना चाहती हूँ। एनडीए का, वेरी गुड। तो स्कूल की अगर हम बात करें, बीएनडी स्कूल की बात करें, तो जिस प्रकार के लगातार बीएनडी स्कूल की तरफ से रिजल्ट दिए जा रहे हैं, इस बार भी उसी प्रकार की जो पोजिशन रही है, तो स्कूल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार का माहौल शिक्षा को लेकर यहाँ रहता है, किस प्रकार की यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं, यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं, उनकी क्या कुछ सोच है? हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हमारे चेयरमैन सर हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, यहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमें हर चीज़ में सपोर्ट मिलता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है स्कूल की तरफ से। जिस तरह का परीक्षा परिणाम आपके स्कूल का रहा है, सबसे पहले तो आपको और आपके स्टूडेंट को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी करमवीर जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल का और आपका बीएनडी में यहाँ पधारने पर प्रदीप जी का आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से रिजल्ट रहा है, किस प्रकार की आशाएं थी और किस प्रकार का रिजल्ट रहा? प्रदीप जी, रिजल्ट तो हम पिछले 15 वर्ष से कंटिन्यू ऐसा ही देते आ रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहता हमारा। हम डिस्ट्रिक्ट में फाइट करते हैं, स्टेट में फाइट करने का विचार था, लेकिन अब की बार ये ऑब्जेक्टिव जो पर्सन्स थे, इसमें कहीं कहीं बच्चे की थोड़ी सी परसेंटेज डाउन हुई है, क्योंकि पहले 16 नंबर के आते थे, अब की बार 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव आए हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव होने से बच्चे का एक अंक गलत हो जाता है। सब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन पेपर रहता तो उसमें बच्चों की कहीं और ज़्यादा उम्मीद थी। बच्चे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा आपका मोटिवेशन काम करता है, तो किस प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं बच्चों को? बच्चों को करियर के प्रति सजग करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं, उनमें सीखने की आदत होती है। यदि बच्चों को हम हर रोज़ कोई न कोई अच्छी बात बताएंगे तो बच्चों के दिमाग पे, मस्तिष्क पे उसका सीधा सा असर पड़ता है। इसी प्रकार मैं असेंबली में प्रेयर के माध्यम से बच्चों को कैरियर के प्रति मेरा मोटिवेशनल स्पीच रहता है, और जो बच्चा मेरे पद चिन्हों पर चलता है, मेरे कहे के अनुसार चलता है, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ आपको, वो एक दिन सक्सेस होता है। आपने कैरियर की बात की है, तो अक्सर हमें सुनने को मिलता है जब भी आपकी संस्था की तरफ से चाहे कोई भी परीक्षा होती है, उसके अंदर आपकी संस्था के बच्चे जो है हर परीक्षा में लगातार सफल हो रहे हैं, तो जिस प्रकार से बीएनडी का परीक्षा परिणाम रहा है, न केवल एकेडमिक बल्कि हम बात करें कैरियर की, जॉब की बात करें, उसमें लगातार बच्चे आपके जा रहे हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण रहे? इसके पीछे सर, मैंने 9th कक्षा से कोचिंग क्लासेस शुरू रखे। बच्चा 9th में, फिर 10th में, 11th में, 12th में, जो बच्चा 4 वर्ष अच्छे अनुशासन में रह करके अच्छी तैयारी करता है, क्योंकि टीन एज में बच्चा बिगड़ता है, और जो बच्चा टीन एज में ठीक रह गया, अपने गुरु के आज्ञा का पालन किया, चेयरमैन के आज्ञा का पालन किया, माता पिता के आज्ञा का पालन किया, तो मैं ये करवाने की कोशिश करता हूँ, और जो बच्चा मेरे अनुसार चलता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ करमवीर जी, वो प्लस टू करते ही विद इन 1 ईयर वो बच्चा गवर्नमेंट जॉब में चला जाता है। यही मूल मंत्र है, और कोई जादू की कुड़िया नहीं कि मैं उनको घोल के देता हूँ, बस इन्हीं पद चिन्हों पे उनको चलाने की कोशिश करता हूँ। मैं वो चेयरमैन नहीं हूँ कि मैं एसी में बैठता हूँ, नहीं,
मैं वो चेयरमैन हूँ बच्चों के बीच में रह करके उनको बहुत अच्छा मोटिवेट करता हूँ करियर के प्रति, क्योंकि आज जिस घर में गवर्नमेंट जॉब है उस घर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाती है। आने वाले समय में और भी बच्चे 10th क्लास में हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से उन्हें पढ़ना चाहिए? मैं बच्चों को बहुत अच्छा मोटिवेट करता हूँ और उनको बताता हूँ, उनके परिवार को भी बताता हूँ कि आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आप इनको बहुत अच्छा माहौल दें। और इस अच्छे परीक्षा परिणाम के लिए मैं पूरे इलाके में पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को और जो भी हमारे जाने पहचाने सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे बच्चों ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपने BND स्कूल का परचम लहरा है। और इसी के साथ मैं सभी को एक बार पुनः दिल से बधाई देता हूं, आपके चैनल को भी और पूरे इलाके को भी। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से अभी रिजल्ट घोषित हुए हैं तो 10वीं के उसके बाद में प्लस टू के भी रिजल्ट आ चुके हैं और आपके स्कूल ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन यहां आकर के अभिभावकों के और बच्चों के सामने एक समस्या आ जाती है करियर चुनने में। कई बार हमने देखा है कि बच्चों का इंटरेस्ट दूसरी फील्ड में होता है, पेरेंट्स उन्हें जबरदस्ती दूसरी फील्ड में, तो उसको लेकर के क्या कुछ एक मैसेज आप उन पेरेंट्स से अभिभावकों तक देना चाहेंगे? उन अभिभावकों तक सर सीधी सी बात एक ये है कि मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा अमित एक UPSC क्लियर करके IAS ऑफिसर बने, और चाहने से कभी भी कोई कार्रवाई पूरी नहीं होती। बच्चे की जिस क्षेत्र में रुचि है, पेरेंट्स को बच्चे की भावनाओं को समझना चाहिए कि आपका बच्चा किस क्षेत्र में जा सकता है, और उसी क्षेत्र में हम बच्चे को अच्छा मोटिवेट करें। मैं प्लस टू में साल में 2 बार सेमिनार लगा करके और बच्चों को करियर के प्रति यही बताता हूँ कि बेटे यदि आपकी मेडिकल में रुचि है तो आप मेडिकल में जाइए, नॉन मेडिकल में रुचि है तो नॉन मेडिकल में जाइए, आर्ट्स में रुचि है तो आर्ट्स में जाइए, कॉमर्स में रुचि है तो कॉमर्स में जाइए, किसी के दबाव में आकर के आप सब्जेक्ट ने चूज करें ये, क्योंकि आगे चल करके ये चीज़ें जीवन में फिर परेशानी देती हैं। तो इसलिए बच्चे को हम स्कूल टाइम से ही मोटिवेट कर देते हैं, और जिन बच्चों को जिस क्षेत्र में जाना है बच्चे उसी क्षेत्र में निकल जाते हैं, पेरेंट्स को भी बीच बीच में PTM के माध्यम से हम बताते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ।